नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। मैं तोमर के परिवार से मिला हूं, उनकी माता से, उनके पिता से, भाइयों से, रिश्तेदारों से मिला हूं। मेरा इस परिवार से बहुत निकट का गहरा संबंध है। निकिता तोमर ने अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 110 करोड़ हिंदुओं को इन हत्यारों ने चैलेंज दिया है। करनी सेना ये मांग करती है कि जो SIT गठित किया है परिवार, उसके अंदर एक नाम और चाहता है। मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करूंगा और उनसे बात भी करूंगा कि उसको भी SIT के अंदर शामिल किया जाए। परिवार की संतुष्टि जब तक नहीं होती तब तक SIT का जो गठन हुआ है उसमें एक नाम और जुड़ जाएगा तो और ज्यादा संतुष्टि परिवार की होगी। परंतु करनी सेना की पूरी संतुष्टि है। हत्यारा तौसीफ है, रेहान है, जिसने हथियार उपलब्ध कराए वो है, और जो जेल में बैठा हुआ इस्लामुद्दीन, जो इसका मामा है, जिन्होंने हथियार उपलब्ध कराया, ये सारे लोग और इनके अलावा और जो कड़ी सामने आने वाली है, SIT उसकी भी जांच करे। 2018 से मामला, 2018 में पगड़ी पैरों में डालकर तोमर परिवार के इन्होंने माफी मांगी थी और ये परिवार बहुत सीधा है, इन्होंने उनको माफ कर दिया था। अगर इन्होंने इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आए होते तो आज निकिता तोमर हमारे बीच में होती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करनी सेना आज इस बल्लभगढ़ की धरती से, इस अपना घर सोसाइटी की धरती से एक बात कह के जा रही है, पूरे देश के अंदर लव जिहाद नाम का शब्द खत्म कर देंगे। जो जो फेसबुक ID बदल बदल कर हिंदू बेटियों के ऊपर जिस प्रकार से गिद्ध निगाहें जमा कर बैठे, उनकी आंखों में तेजाब डालने का काम करनी सेना करेगी। कानून हाथ में लेने की बात नहीं है, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता बचाने का मामला है, अपनी देश के गौरवशाली इतिहास को बचाने का मामला है, अपने देश के हिंदू धर्म को बचाने का मामला है। ये लोग हमारे घरों में घुस घुस कर हमारे बीच में रह रहकर जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, अब नाकाबले बर्दाश्त है। फरीदाबाद के चौक पर इन हत्यारों को सरेआम लटकाया जाए, ये करनी सेना मांग करती है। जुडिशरी के लोगों से भी अनुरोध करती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जल्दी जाए, जल्दी गुनाहगारों को सजा मिले। ऐसा राजस्थान सरकार में कई बार वसुंधरा सरकार ने किया है और न्याय भी एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में हुआ है। मैं एक मांग करता हूं कि न्याय मिले, अन्यथा करनी सेना न्याय करना शुरू करेगी। और करना जानते हैं, हमारी बेटी गई है, उसने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दी है। बेटी भाग रही है, दौड़ रही है, कारण कि आज हम लोग अपनी जात पात में बटे हुए हैं। आज हिंदुओं को एक करने का आह्वान इस धरती से मैं करके जा रहा हूँ। न जाट, न गुजर, न राजपूत, न बनिया, न ब्राह्मण, कोई नहीं। 110 करोड़ हिंदू हैं, इन 20 करोड़ पाकिस्तानियों को जवाब देने का समय आ गया। आप जो देश के अंदर करनी सेना, करनी सेना भैया, मेरे साथ में आपको रहना है। तो क्या यार, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए गौतम जी। अभी जो स्थिति है लव जिहाद वाली जो बात आ रही है, आप परिवार से जब बात कर रहे थे तो एक चीज सामने आ रही है कि परिवार ये कह रहा है कि जो SIT में जो लोग शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर